हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो एवरलास्टिंग लव मांगा का चैप्टर 24 को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो यंजन होता है उसे मैसेज आया होता है जिनका के घर वापस आ जाओ। तभी जो जिन वो कुछ सोचता है और फिर टाइप करता है कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है। तभी उसे फ़ोन आता है जिनका और वो उसे बोलता है कि यंजी मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ घर पर। और तभी जो जिनजिन गुस्से में बोलता है कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि इसकी वॉइस इतनी ज़्यादा टाइट क्यों लग रही है, शायद कल रात उसने कुछ ज़्यादा ही काम किया होगा। और अभी वो मुझे इसलिए कॉल कर रहा है क्योंकि वो अच्छा कोई फ्रेश सा मिल्क पीना चाहता होगा या फिर कोई फ्रेश जूस पीना चाहता होगा जो कि मैंने बनाया। और वैसे भी उसे मेरी आदत हो गई है मैं उसे सर्व करूँ। तो ये सारी चीज़ें यंजी सोच रहा था कि तभी जिन उसे बोलता है कि प्लीज़ गुस्सा मत करो। तभी जो यंजी है वो उसे बोलता है कि क्या। तभी यंजी उसे बोलता है कि तुम्हें कोई और बटलर हायर कर लेना चाहिए जिसकी कंपेटिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो मेरे कंपेरिजन। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम बकवास बंद करो और जल्दी से घर आ जाओ और फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा और ऐसे एक्ट करना बंद करूँ। तो उसकी बात सुनकर रंजी को और गुस्सा आ जाता है और वो ट्रैम्बल करने लग जाता है और वो उससे बोलता है कि क्या मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। और फिर उसकी वॉइस सुन के ना जिन थोड़ा अपने आप को काम डाउन करता है, उससे बोलता है कि ठीक है मैं एक्ट कर रहा हूँ इसलिए जल्दी से घर आ जाओ। ओके ठीक है। तो उसकी बात सुनकर जो रंजी है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फ़ोन को काट देता है। और फिर वो अपने मन में सोच रहा है कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया इतने दिनों तक और जब मेरे ऊपर कोई अटेंशन नहीं थी और अब वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि मैं खुद से घर छोड़ कर आया हूँ। जंजी अपने मन में सोच रहा है कि क्या वो मुझे अब उन ओमेगास की तरह समझता है जो कि पैसे के लिए उसके आसपास घूमते हैं। और तभी वो उसका नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल देता है और वहाँ से चलने लगता है। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि हमें किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर जिन हमें लोकेट ना कर पाए। और तभी जो इधर जिन है वो अपने मन में सोचता है कि ये यंजी का फर्स्ट टाइम है जब उसने पहले जो फ़ोन है वो रखा हूँ। और फिर वो सिगरेट पीता है और फिर अपने मन में सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। तभी जो रूही तांग है वो उसे बोलता है कि तुम उसे बार बार फ़ोन करने का ट्राई कर रहे हो, मुझे लगता है उसने तुम्हारा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, तुम किसी और नंबर से ट्राई करो। तो उसकी बात सुनकर जिन थोड़ा सोचता है और उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यंजी ने उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट किया है। तभी अचानक से वहाँ पर मतलब बहुत सारे डॉक्टर आते हैं और वो देखता है उसका जो ओमेगा फादर है वो मर चुका होता है। और तभी उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आ जाता है और वो रो रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक बेबी होता है जो कि एक बॉक्स के अंदर होता है। ये देख कर जो जिन है ना सो वो डॉक्टर के जो ट्यूब्स वगैरह लगाई होती हैं वो सभी छोड़ के वहाँ पर नर्स का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है कि क्या ये बेबी अभी तक ज़िंदा है। सो चैप्टर 25 की शुरुआत में देखते हैं हम जो लूजन है ना वो नर्स का हाथ को पकड़ता है और उससे पूछता है कि क्या बेबी अभी तक ज़िंदा है। तो वो नर्स उससे बोलती है कि हाँ यंग मास्टर, ये एक छोटा सा अल्फा है और हम इसका जो डिफरेंशियल लेवल है वो चेक करने के लिए जा रहे हैं। तो जो जिन है ना वो उसे धमकाता है और उसे बोलता है कि चुप रहो और मुझे टेस्टिंग रूम में लेकर जाओ। तो फिर वो उसे टेस्टिंग रूम में लेकर जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर होते हैं, उसके हेड पर वो गन को रखता है और उसे बोलता है कि डॉक्टर। और तभी उसे बोलता है कि तुम वही कहोगे जो मैं कह रहा हूँ। तभी उसके जो फादर होता है ना मतलब वो जिनका फादर उसका कॉल आता है। तो जो डॉक्टर है ना वो उस वही कुछ बोलता है जो लूजिन ने उससे कहने के लिए कहा होता है। और वो डॉक्टर लूजिन के वाज को बोलता है कि जो लूज का यंग ब्रदर होता है मतलब वो बेबी वो मर चुका होता है और यही न्यूज़ वो उसके डैड को देता है। तो उसकी बात सुनकर जो जिन है ना उसे और भी बोलता है कि तुम इस न्यूज़ को किसी के भी कानों तक नहीं पहुँचने दोगे और मेरी बात सुनो, जो बेबी है ना उसे मेरे फ्रेंड के हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। और वो उसे और भी ज़्यादा धमकाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, जो यंजी होता है ना वो आया होता है एक बार में और
फिर वो सोचता है अपने मन में, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में इस जगह पर फिर से आऊँगा। और फिर वो वहाँ पर जाता है उस बार में, और वहाँ पर बार का ओनर होता है जिसका नाम होता है गुवी, जो कि एक अल्फा होता है। और फिर वो उससे पूछता है यान जी कि क्या तुम बारटेंडर्स को हायर कर रहे हो। तो गुवी उससे बोलता है कि हम हायर तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ अल्फाज को हायर कर रहे हैं, किसी वीक ओमेगास को नहीं। तो फिर जो यान जी है ना वो उससे बोलता है कि जो बारटेंडर है उसे अल्फा ही क्यों होना चाहिए। और फिर वो जो यान जी ने अपने मन में सोचता है कि हम सिर्फ एक दो बार इनकाउंटर हुए हैं और मुझे लगता है कि ये मुझे जानता है, मतलब पहचानता है। तो वो जो गुवी है ना उससे बोलता है कि पब्लिक सिक्योरिटी के लिए हमें स्ट्रॉन्ग अल्फा चाहिए, जो कि जब हमारे बार में कोई गुंडे वगैरह आए तो उन्हें अच्छे से सबक सिखा सकें। तो यान जी उससे कहता है कि नहीं, मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं काम कर सकता हूँ। और हम तभी देखते हैं अचानक से, और जो यान जी है उसे मैसेज आता है जिनका एक मतलब कोई और नंबर से आता है अलग नंबर से, जिसमें उसने लिखा होता है कि मुझे तुम्हारा एड्रेस दो, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊँगा। तो जो यान जी ना अपने मन में सोचता है कि इलूजन ने कभी भी मुझे डिफरेंट नंबर से आज तक कॉन्टेक्ट नहीं किया और ना ही मुझे पिक करने के लिए कहा है, और इतने ज़्यादा अच्छे और प्यार से उसने कभी भी मुझे कोएक्स करने की कोशिश नहीं की है। और फिर वो सोचता है कि मैं अभी क्या करूँ। और फिर कुछ सोचने के बाद वो जो उसे मैसेज करता है कि मैं वही वार पर हूँ जहाँ पर हम एक दिन रहे थे। तो उसकी बात सुनकर जो जिन होता है ना वो उसे टाइप करता है कि हम बहुत सारे बार्स में रहे थे, तो तुम किस बार की बात कर रहे हो। तभी जो जिन है ना यान जी उसे मतलब गुस्सा आता है और वो सोचता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और ऑर्डिनरी जो पीपल्स हैं उन्हें ऐसी जगह कैसे भी याद हो सकती है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर बार्स पे चिट लगी होती है, जो कि वहाँ पर लवर्स जाते हैं ना वो एक दूसरे के लिए मैसेज लिखते हैं। तो वहाँ पर लूजिन ने एक बार लिखा होता है कि यंजन मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें प्यार करूँगा। और ये सारी बात याद करते हैं तभी हमें 4 साल पहले का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वो दोनों एक मिशन से आते हैं और वो एक बार में जाते हैं और वहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सो, तभी उस दिन जो लूजिन ने अपना जो लव है वो एक चिट पर लेकर वहाँ पर लगाया होता है। ये सारी बात याद करके जो यान जी है उसका मुंह उतर जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अभी मुझे ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। मैं सिर्फ ये श्योर करना चाहता हूँ कि मैं अपने पुराने वाले ड्रीम्स में ना जाऊँ। और फिर वो अपना फ़ोन फेंक देता है और उसने मैसेज पर टाइप किया होता है कि अगर तुम भूल गए हो तो रहने दो, मेरे बारे में भी भूल जाओ। सो, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं जो यान जी होता है ना उसके फ़ोन पर मैसेज आया होता है जिनका, जिसमें उसने लिखा होता है कि क्या तुम गुस्सा हो, तुम ऐसा पहले तो नहीं करते थे और अपना टेंपर लूज मत करो। उसके बाद सुनकर यान जी का मुँह उतर जाता है और फिर वो अपने फ़ोन को रख देता है और सोचता है कि हाँ मैं पहले ऐसा कभी भी नहीं था, मैं इतनी बार टूट चुका हूँ ना और फिर से खुद को समेट के तुम्हारे लिए लेकर आता था, लेकिन छोड़ो अगर तुमने मुझसे ये सारी बातें पहले की होती तो शायद चीज़ें ऐसी ना होती। और फिर वो अपने जो फिंगर में रिंग होते हैं वो उतारते हैं और फिर वो वापस रख देते हैं और सोचते हैं कि नहीं रहने देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तभी उसे लोन नहीं देख के वो जो बारटेंडर ना वो कन्फ्यूज़ हो जाता है और फिर वो उसे की ओर देखने लगते हैं। तभी जो यान जी है ना वो इंस्पेक्ट करता है वहाँ पर जो सारी वो कॉकटेल्स रखी होती हैं और वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर वाइन बनाता है और सर्व करता है। उसे देख कर ना जो बारटेंडर है जो बॉस है ना वहाँ का गुवी, वो बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड फील करता है। और फिर वो वहाँ पर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या करते हो, क्या तुम फाइट भी करते हो। तो यान जी उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम यान जी है और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, मैं फ़ाइट भी करता हूँ। तो भी जो गुवी है ना वो उसे साथ हाथ मिलाता है और उससे बोलता है कि मेरा नाम गुवी है और मैं आपका बॉस हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर आसपास घुमाता हूँ। तभी जो गुवी है ना वो उससे बोलता है कि तुम्हें पता है यहाँ के ओमेगास कितने ज़्यादा मतलब अनोइंग हैं और यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत ही ज़्यादा बुरी है कि कई बार तो मेरा मन करता है कि मैं ही
यहाँ पर हर एक चीज़ को स्मैश कर दूँ। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना, मैं एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा बोलता हूँ, और चलो मैं तुम्हें ऊपर जाकर लेकर गार्डन में दिखाता हूँ। तो जो यंजी अपने मन में सोचता है कि बहुत ही अच्छा है कि कोई फ्रेंड हो जिसके साथ हम बात कर सकते हैं। अभी जो उगुवे है ना, वो उसे ऊपर लेकर जाता है और वहाँ पर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर सॉन्ग्स को प्रिपेयर करता हूँ अपने लिए। और तभी जो यंजी ना, वो उसे बोलता है कि तुम अपने सीरियसली शॉप ओपन क्यों नहीं करते। तो वो उसे बोलता है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और मुझे वैसे भी इसी तरह रहना पसंद है। तभी गुवे की नज़र उसके रिंग पे जाती है और उससे बोलते हैं कि क्या तुम मैरिड हो, तुम्हारा जो लवर है क्या उसने तुम्हें परमिशन दे दी यहाँ पर वर्क करने की। तो वो उसकी बात सुनकर जो यंजी है ना, वो स्माइल करता है, उससे बोलता है कि मेरा लवर हर एक चीज़ में अच्छा है और उसे मैं अब पसंद नहीं हूँ। तो ऑफकोर्स वो विलिंग है कि मैं कहीं भी काम करूँ। तो उसकी बात सुनकर जो गुवे है उसे समझ नहीं आता और फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो उसकी बात सुन के लिए यंजी थोड़ी मिनट के लिए शॉक हो जाता है। फिर वो उससे बोलता है कि घर और मेरा कोई घर नहीं है। तभी वो मतलब सिगरेट लेने लगता है लेकिन फिर वो रख देता है। और फिर वो उससे बोलता है गुवे कि नहीं मेरा कोई घर नहीं है, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। तो जो यंजी है ना, वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं इसी बात पर पता है क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 20 साल के जो लूजन है उसे इमेजिन कर पा रहा हूँ और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ यहाँ। सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो कुछ लोग होते हैं बार के बाहर और वो अपने मन में सोच रहे होते हैं हमारे यंजी के बारे में और एक दूसरे से बात करते हैं कि क्या तुमने सुना है यहाँ पर एक न्यू बार्टेंडर आया है और वो एक लूपियर्ड रैबिट ओमेगा है, चलो देखते हैं आकर। और हम देखते हैं वहाँ पर जो यंजी काफ़ी अच्छी तरीके से वाइन सर्व कर रहा होता है और तभी बहुत सारे अल्फाज उसके अराउंड घूमते हैं। और तभी वो अचानक से एक्सक्यूज़ करके अपने आप को वॉशरूम में जाता है और उसके हीट पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और वो अपने आप को एक जो इनहैबिटेटर होता है ना, वो मतलब जिसके साथ सप्रेस कर देते हैं फेरोमोन्स, वो लेता है। और तभी अचानक से वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैं अपने लिए कोई अल्फा ढूंढ लूँ, और पता नहीं मैं इतने सालों तक क्या कर रहा था, मैं बहुत ही ज़्यादा सिली था। और तभी अचानक से उसके बॉस का कॉल आता है और उसका बॉस उसे बोलता है कि जल्दी से नीचे आओ, यहाँ बहुत सारे अल्फाज घूम रहे हैं और मैं एक साथ उनके साथ हैंडल नहीं कर सकता। तभी जो ओमेगा ना, वो उससे बोलता है क्या अभी। तभी वो जाता है और वहाँ पर मतलब फाइटिंग चल रही होती है, वहाँ पर बहुत सारे अल्फाज आए होते हैं जो कि ओमेगास को हंट करते हैं। और उन्हें देखते ही जो यंजी है वो समझ जाता है कि ग्लैंड हंटर्स हैं और वो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं कि जो मेरे ग्लैंड्स हैं ना अभी तक जी लेवल तक हो गए होंगे, J1 तक, मतलब इनके जो ग्लैंड्स हैं उनका लेवल होता है। पहले जो यंजी के लेवल्स थे ना वो कम हो गए थे क्योंकि उसे ऑपरेशन के अंडर जाना था, लेकिन अभी तक उसके जो फाइटिंग स्पिरिट है पहले की तरह वापस आ चुकी होती है। और वहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से फाइट करता है, सभी लोग उसे देखने लगते हैं और सभी लोग देखते हैं कि ये ओमेगा है और उसे जल्दी से पकड़ो। सो यंजी ने वहाँ पर सारे गुंडे को अच्छी तरह से सबक सिखा दिया होता है। और सब कुछ होने के बाद वहाँ पर गु भाई आता है और उन सबको मारने लगता है और उससे बोलता है कि तुम सब मर जाओ। और वहाँ पर जो यंजी उसका बुरा हाल हो रहा होता है क्योंकि वो हिट में था। तभी वो गुवई से बोलता है कि गुवई मुझे जल्दी से इनहिबिटर दो और बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए मुझे। तो वो जल्दी से गुवई उसे इनहिबिटर देता है और उससे बोलता है कि तुम इस हालत में भी फाइट कर सकते हो। और तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि अल्फा होता है और वो उसे देखते ही जो यंजी है वो बोलता है कि क्या तुम PBB में काम करते हो। तो उसकी बात सुनकर ना वो लड़का ना शॉक हो जाता है और समझता है कि इसे इतना सब कैसे पता है। वहाँ गोवई सोचता है कि हीट में ही फाइट नहीं कर पाएगा। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो वो अल्फा होता है ना वो उसके पास आता है यंजी की और यंजी को बोलता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है ना। तभी यंजी उसे सोचता है अपने मन में मैं और ज़्यादा बेयर नहीं कर सकता और फिर वो उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर अचानक से
जो लू जिन है उसकी एंट्री होती है, और फिर वो अल्फा दूसरा उससे बोलता है कि ये लूट एड रैबिट हमें का मेरा है। और जो लू जिन है ना वो यंजी को नीचे से उठाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम उसके लिए वर्थी भी हो। सो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो जिंगशो होता है ना वो एक लड़की के साथ होता है जिसका नाम शाओ होता है, और वो ना वही लड़का होता है जिसके जो ग्लैंड्स हैं वो हमारे यंजी के साथ चेंज करने वाले होते हैं ऑपरेशन के थ्रू, क्योंकि इसकी कंपैटिबिलिटी जो लूजन है उसके साथ बहुत ही हाई है। लेकिन एट द एंड यंजी ने मना कर दिया होता अपने ग्लैंड को चेंज करने का, तभी जो जिंगशो है उसके ब्रदर ने उसे पिक करने के लिए कहा होता है। तभी वो लड़का ना बहुत ज़्यादा शाय फील करता है और वो उससे थोड़ी बात करता है। तभी अचानक से वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और जिंगशो सोचता है कि लड़के हालांकि ये यंजी की तरह नहीं है लेकिन इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल उसी की तरह है, और फिर वो उसके अपने भाई के हॉस्पिटल में लेकर जाता है। और जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर एक गुंडा आता है और साथ में एक छोटा बच्चा आता है, वो वही बेबी होता है उसके मतलब लूजिन के फादर का। और तभी वो लूजिन को कॉल करता है और जो हम देखते हैं लूजिन और यंजी साथ में होते हैं, और यंजी को वो अपने साथ घर लेकर आया होता है, और यंजी काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। तो जो लूजिन है उसके लिए फेरोमोन्स रिलीज़ करता है और उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ। तभी जिंगशो ना अपने भाई से फ़ोन पकड़ता है और उससे बोलता है कि क्या यंजी और लूजिन दोनों साथ में हैं, और फिर वो ना उससे बोलता है कि लूजिन तुम क्या कर रहे हो और तुम यंजी के साथ क्यों हो। तभी जो लूजिन है ना वो उसके भाई को बोलता है कि अपने भाई पर नज़र रखो। तभी जो उसका भाई होता है ना बिंगशन उससे बोलता है कि उसे भूल जाओ मैं अभी फ़ोन रख रहा हूँ। और वो दोनों मतलब जिंगशो और वो लड़के दोनों हॉस्पिटल में होते हैं और इधर लूजिन और यंजी साथ में सोए होते हैं। तभी हम देखते हैं जो लूजिन ना यंजी के हाथ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेसेस देखते हैं इनहिबिटर्स के, और फिर ये देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है और उससे बोलता है कि आई एम सॉरी मैं आगे से तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा, मुझे मेरी मिस्टेक रियलाइज़ हो गई है। तो तभी हम जो नेक्स्ट सीन में देखते हैं यंजी उठता है, उठते ही वो अपने सामने लूजिन को देखते हैं, लूजिन उससे पूछते हैं कि क्या तुम उठ गए हो। अभी इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं जो लूजिन है वो यंजी से पूछता है कि क्या तुम कहीं पर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, और जैसे ही वो उसे टच करने जाता है तो यंजी काफ़ी दूर चला जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैम्बल कर रहा होता है। उसे देखकर जो लूजिन है उसे गले लगाता है और उससे बोलता है कि तुम शांत हो जाओ और किसी भी चीज़ से डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पर। और वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करते हैं और जो यंजी है ना पहले तो उसे पकड़ता है और बाद में फिर वो मतलब उसे दूर करता है अपने आप से, और फिर वो उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं लूजिन उसे मतलब उठाता है, उसे पूछता है कि क्या तुम शावर लेना चाहोगे। तो यंजी अपने मन में सोचता है कि ये मुझे शावर तक कैरी करना चाहता है, और फिर वो उससे बोलता है कि नहीं मुझे नीचे उतार। तभी जो लूजिन है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें मेरा होल्ड करना अच्छा नहीं लगा, और फिर वो अपने मन में सोचता है लूजिन अपने मन में सोचता है कि यंजी पहले ऐसा कभी भी नहीं था, उसे हमेशा ही मेरे साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है, जब तक मैं उसे एक जेंटल सा लुक देता रहूँ वो हमेशा ही खुश हो जाता है, और अभी वो पहले हमेशा मेरी दी हुई हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर करता था और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता था जब मैं उसे कोई भी चीज़ देता था, लेकिन अभी वो ऐसा क्यों कर रहा है, अभी क्या गलत है। तभी जो यंजी ना वो उसे धक्का देता और वो नीचे गिर जाता है। तभी जो जो लूजिंग है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें हर्ट हुआ और तुम नीचे कैसे गिर गए, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ तुम्हें चेक करने के लिए, और वो अपने फेरोमोन्स उसके लिए रिलीज़ कर रहा होता है। तो यंजी ये देखकर ना काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और फिर वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये लूजिन है भी या नहीं, और फिर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और फिर वो अपने मन में सोचता है कि नहीं लूजिन की जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, वो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वो मुझे ऐसे कोएक्स कभी भी नहीं कर सकता। ऑल दो जो ये लड़का है वो बिल्कुल लूजिन की तरह दिख रहा है लेकिन इसके वर्ड्स बिल्कुल ही अलग हैं। तभी जिंगशो उसके पास जाता है उससे बोलता है कि नहीं ये मैं हूँ मेरे साथ चलो। तभी जो
जल्दी है ना वो वहाँ से उठता है और उससे बोलता है कि तुम वो पर्सन हो जिसने मुझे घर से बाहर निकाला और तुम्हारे डैड मुझे वापस लेके आना चाहते थे। तो जो लूजिन है उससे बोलता है कि तुम मुझे उस आदमी के साथ कंपेयर मत करो और मेरे साथ चलो, और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते और उससे बोलता है कि अच्छे बच्चे की तरह मेरे पास आओ। और तभी जो यंजी है ना वो वहाँ पर रखा हुआ टेबल को उसकी ओर फेंकता है और उससे बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, और उसे इस तरह से देख कर ना जो लूजिन है वो काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंजी उस पर गुस्सा करेगा। और तभी लूजिन उसके पास जाता है, उसके हाथों को पकड़ता है और उससे बोलता है कि तुम हीट में हो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो यंजी उसे मना कर रहा होता है लेकिन लूजिन उसके करीब आता जा रहा होता है तो उससे बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। सो वी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो लूजिन है वो यंजन को टच करता है और जो यंजी है वो उससे बोलते हैं कि मुझे टच मत करो, मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है जब तुम टच करते हो। तो वो वहाँ से उसका हाथ छोड़ाकर वहाँ से चला जाता है और वो बार में आता है, वहाँ पर गुवेई को देखते हैं जो कि वहाँ पर साफ़ सफाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर भाग कर जब जाता है ना यंजी तो उसे देख कर जो गुवेई है वो उससे बोलता है कि तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी तुम्हारी वजह से ही मेरे स्टोर में इतनी ज़्यादा फाइट हुई है। तभी जो लूजियांग है वो भी उसके पीछे आता है और उससे बोलता है कि यंजन, तो यंजन उससे बोलता है कि तुम वापस जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और मुझे जाने दो। तो लूजिन उससे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ प्लीज़ इधर उधर मत भागो और हम दोनों साथ में बात करते हैं। तो जो यंजन है उससे बोलता है कि नहीं। तभी गुवेई ना उसे पकड़ता है यंजी को और अपने साइड पर करता है और लूजिन से बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बास्टर्ड, तुम मेरे एम्प्लॉय को मेरे सामने ऐसे बुली नहीं कर सकते। तो जो यंजन है ना वो उससे बोलता है कि बॉस इसे जल्दी से यहाँ से बाहर भगाओ। तभी जो मतलब उसका जो बॉस है वो उससे बोलता है कि तुम अशोर रहो, मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगा। तभी ना जो लूजिन है वो अपना टेरिफाइड लुक उसे दिखाता है, इसे देख कर जो बॉस है वो काफ़ी डर जाता है और उससे बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जो लूजिन है ना वो उसे उठाता है ज़बरदस्ती और यंजी को लेकर जा रहा होता है। तभी गुवेई अपने मन में सोच रहा होता है कि ये मैंने क्या देख लिया। और तभी गुवेई अपने इंस्टा पे मतलब उन दोनों की पिक डालता है और वहाँ पर लिखता है सोशल मीडिया पर कि अभी अभी मैंने देखा एक बहुत ही ज़्यादा रेयर अल्फ़ा अपनी वाइफ को मनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है और इसे देख कर आप लोग क्या कहना चाहेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शोवंशी, उसके साथ उसका ब्रदर होता है। तो उसका जो छोटा ब्रदर होता है ना शव, वो उससे पूछता है कि ब्रदर आपके लिए इजी नहीं होता ऐसे घर पर वापस आना, तो क्या आप मुझसे थोड़ी देर और खेलेंगे। तो जो वो लड़का होता है ना शोवंशी, वो उससे बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझे अभी ब्रेक चाहिए और मैं तुम्हारे फ़ोन के साथ थोड़ी देर खेलता हूँ। और वो अपना फ़ोन उस लड़के से लेता है और वो जो बच्चा होता है ना वो उसका ब्रदर होता है वो रूठ जाता है। तभी जो वो लड़का होता है ना शोवंशी, वो अपने फ़ोन में देखता है जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा हॉट न्यूज़ चल रही होती है जो कि यंजन और लूजिन की होती है जो कि गुवेई ने डाली होती है। उसे देखकर जो शोवंशी होता है ना वो जो हमारा यंजी है उसे पहचान लेता है और उससे बोलता है कि बनी तो तुम यहाँ पर हो। सो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है फिनिश हो जाता है। सो आप इस कैरेक्टर को याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दैट्स इट। और हाँ, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे जो लॉन्ग वीडियो हैं वो डालूं या फिर शॉर्ट वीडियोस एक एक चैप्टर की डालूं, क्योंकि हर एक चैप्टर ना सिर्फ 3 से 4 मिनट का ही होता है। आप लोग कैसा चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।